السلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حمد تعريف صلى الله لا شريك له کے لیے خاص ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور ہمارے دلوں ایمان کی روشنی سے منور فرمائی اور ہماری زندگیوں میں ढेर सारे फ्यूज और बरकात को नाजिल फरमाया। अल्लाह को दरूद और सलाम हो मेरे और आपके आका रहमतुल आलमीन खातमुल अंबिया व रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जिन्होंने हक का बोलबाला किया और बातिल से डटकर मुकाबला किया। माज़ा सामी अल्लाह सुभान व तआला की जात से ये उम्मीद है कि अल्लाह सुभान व तआला हमारे इस मिल बैठने को अल्लाह और उसके रसूल के कलाम को सुनने को कबूल फरमाए और हमारी जिंदगियों से जो मसाइल हैं जो मसाइल हैं जो मशाकिल हैं उसको दूर फरमाए और हमें अल्लाह खुश रखे। माज़ा सामईन आप सब बाबरकत हो। वजह क्या है कि आप बाबरकत महफिल में शरीक हो। यह वो महफिल है जिस पर अल्लाह की रहमतों की बरकतों की बरखा जो है खत्म होने तक बरसती ही रहती और आखिर में खुशखबरी सुनाई जाती है ओम मग़फ़ूर लक कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए थे। तुम अल्लाह के रहम के करम के मुस्तहिक बन गए। ये खुशखबरी हमें इस महफिल के इख्तिताम पर भी तो कितनी बाबरकत महफिलें हैं और इसमें शरीक होना कितना बरकत का काम। चुनांचे हमें चाहिए कि जहां हम खैर बरकत को अपने लिए पसंद करते हैं अपने साथियों के लिए भी पसंद करें उन्हें भी इस खैर बरकत में शरीक करने की हद तक इम्कान इंशाअल्लाह कोशिश करें। माज़ा सामईन आज का हमारा मौज़ू जिंदगी के रंग उमंगों के संग। उमंग और अरमान एक तरह से इंसान की जिंदगी का सरमाया है। इसी
उमंग और अरमान की बुनियाद पर ऊंचे मकामात तक भी इंसान पहुंचता है और कभी कभी गलत उमंग गलत अरमान उसे पस्ती की तरफ धकेल भी देता है। तो हमें अपनी जिंदगी में हमेशा हमारे अपने उमंगों के साथ जिंदगी का रंग जो है लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। सामाई अल्लाह सुबहान तआला वसी जो कायनात है दुनिया है इसको अल्लाह ने हमारे लिए मुसक्कर फरमाया। हर चीज को हम इस्तेमाल करते हैं, हर चीज पर तकरीबन इंसान की हुक्मरानी है और सारी चीजों को अल्लाह सुबहाना वताला ने हमारी खिदमत के लिए पैदा फरमाकर हमें अल्लाह सुबहाना वताला ने क्यों पैदा फरमाया? अपनी इबादत के लिए। वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। तो बात यह समझनी चाहिए कि हमारा जो भी अरमान हमारी जो भी उमंग हो वो अल्लाह को राजी करने वाली हो, अल्लाह सुभान व तआला की रिजामंदी के हुदूद में हमारे उमंग भी होने चाहिए, हमारे अरमान भी होने चाहिए। माज़र सामाईन जिंदगी हर एक की रंगीन होती है, किसी के पास उमंग कम होते हैं, किसी के पास उमंग कुछ ज्यादा होता है, लेकिन जिंदगी बिलाखिर जिंदगी है। हर रंग हर तरंग है तोहफा उमंग का, मौसम तो महज एक हसीर दीपा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौला अन्न लिइब्ने आदम वादियन मिन ज़हबी अहब्ब अन यकून लहू वादियन वलन यमला फाहु इल्ला तुरा वयतूबुल्लाहु अला मन। आदम की औलाद की खसलत ऐसी है कि अगर उसको सोने की एक वादी मिल जाती है वो फिर दूसरी वादी की आरजू करेगा, उसकी उम्र और बुलंद होगी, दूसरी मिल गई तो तीसरी की ख्वाहिश करेगा, तीसरी मिल गई चौथी की, चौथी मिल गई पांचवी। इस तरह कब्र की मिट्टी के अलावा उसके इस ख्वाहिश को खत्म करने वाली चीज कोई दूसरी नहीं। और अल्लाह सुभान व तआला जिसकी तौबा कबूल करना चाहते हैं कबूल करते हैं। तो मुअज्जज सामईन हमारी जो ख्वाहिशात हैं इसका कोई एंड नहीं। चुनांचे शायर फरमाता है, इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं, दो गज जमीन भी चाहिए दो गज कफन के बाद। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक बहुत ही मशहूर खतीब हुआ करते थे, उनका नाम था उस बिन सादा अल अय्याद। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ भी फरमाई, अल्लाह सुभान व तआला उस बिन सादा के साथ रहम का मामला फरमाए, वो अकेले एक उम्मत बनकर उठाए गए। तो जमाने जाहिलियत में बहुत मारूफ जो है खतीब ये थे, उनके दो भाइयों का इंतकाल हो गया, उनको दफनाने के बाद उनके अंदर गैर मामूली तब्दीली आई। उससे पहले भी वो दीन हनीफियत पर
कायम थे, बुरी चीजों से नफरत करते थे, अच्छाई का हुक्म देते, लेकिन उसके बाद लोगों को खासकर आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाना उन्होंने शुरू किया। उनका जो मारूफ खुतबा है वह आपके हवाले करता हूं। उन्होंने कहा, अय्युहन्ना इस्माऊ वरू मन आशा मात व मन मात फात व कुल मा हुआ आतिन आदि मतरुन व नबातुन व अरसाकुन व अकवातुन व आबाउन व उम्महातुन व अहयाउन व अमवातुन जमउन व अश्ता लैलुन दाज व नहारुन साद व समाउन दात अवराद व अर्दुन दात खुदाद व बिहारुन दात अवाद व बिहारुन मौदू व सक्फुन मरकूब व नुजूमुन तमूर व बिहारुन ला तमूर व नुजूमुन تظهر وبحار تزخر إن في السماء لخبرة وإن في الأرض لعبرة ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون أرادوا فأقاموا أم تركوا فناموا تبا لأرباب الغفلة من الأمم الخالية والقرون الماضية يا معشر عيال أين الآباء والأجداد وأين الفراعنة الشداد ألم يكونوا أكثر منكم مالا وأكمل آجالا وأطول آجالا كحنتهم الذهب بكلكل ومزقهم بتطاول معزز سامعين بہت ہی مؤثر خطبہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے لوگوں सुनो और याद रखो, जो जिंदा है वो मरेगा, जो मरेगा वो दुनिया से चला जाएगा, जो कुछ होने वाला है होकर रहेगा। ये तारीख रात, ये रोशन दिन, ये बुज्जों वाला आसमान, ये चमकने वाले सितारे, ये मौजे मारने वाला समंदर, यकीनन आसमान में कोई खास कुव्वत है और जमीन में ढेर सारी इबरतें। लोगों को क्या हो गया है कि वो जाते तो हैं लेकिन वापस लौटकर नहीं आते। क्या वहां उन्होंने कयाम पर रजामंदी जाहिर की है या फिर सब कुछ छोड़कर वो सो गए? ऐ खानदाने हया, कहां है तुम्हारे आबा व अजदा, कहां है जालिम फराइना? क्या माल दौलत में वो तुमसे बढ़कर ना थे? क्या उनकी उम्रें तुम्हारी उम्रों से ज्यादा लंबी नहीं थी? जमाने ने सबको हवालिस की चक्की में पीस डाला और उनकी अजमत को पारा पारा कर। माज़ा सामीन, दुनिया उमंगों से भरी है, अरमानों से भरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दुनिया फानी है। अगर दुनिया हमेशा की जिंदगी होती या मालो दौलत हमेशा किसी के पास होती तो याद रख लीजिए कि आज आपके पास ये जिंदगी नहीं होती, आपके पास ये माल नहीं होता। आज आपके पास ये माल है, ये सहूलियात है, तो कल आपसे छीनकर दूसरे के पास ये चली जाए। चुनांचे उमंग और आरज़ू अरमान जो है वो नेक नीयती पर मुश्तमिल होना चाहिए। अगर बुरी नीयत हमारी है, बुरे इरादे हमारे हैं, बुरे ख्याल हमारे हैं, तो नतायज भी बुरे होंगे और उसका एंड भी बहुत ही भयानक होगा। चुनांचे माज़ा सामईन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात को मैं आपके हवाले करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, जिसमें नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा दुनिया लि अरबाइन, इन्नमा दुनिया लि अरबा, लि अरबा की नफल है कि यकीनन दुनिया चार लोगों में बटी हुई है। कौन वो चार लोग हैं? एक आदमी है जिसको अल्लाह सुभान
सुभानहु व तआला ने इल्म से भी नवाजा है और माल से भी नवाजा है। एक आदमी है जिसको अल्लाह ने इल्म से भी नवाजा है और माल से भी नवाजा है, तो वह अल्लाह से डरता है, अल्लाह का हक बजा लाता है, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी को निभाता भी है और लोगों के साथ एहसान का मामला भी करता है। ये सबसे अफजल आदमी जिसके पास माल भी है और जिसके पास दीनी समझ भी है। इल्म का मतलब सिर्फ दुनियावी इल्म, दीनी समझ। और दूसरा आदमी है जिसके पास इल्म है माल नहीं। दूसरा आदमी कौन है? जिसके पास इल्म है लेकिन माल नहीं, लेकिन वो आरजू करता है, वो अरमान रखता है, वो उमंग रखता है कि ऐ अल्लाह अगर फलाह शख्स जैसा माल मुझे मिलता, मेरे पास होता, तो मैं भी अल्लाह के रास्ते में उसे बेदिरे खर्च करता। तो उमंग उसके साथ, अरमान उसके साथ, तमन्ना कर रहा है, अच्छी तमन्ना है। तो ये दोनों नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजर में बराबर सराब। और एक आदमी है जिसके पास माल है इल्म नहीं, बेहिसाब माल है लेकिन इल्म उसके पास नहीं है। इल्म का मतलब क्या है? दीन की समझ नहीं है, क्या हलाल है क्या हराम है, किसके क्या हकूक है, कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, शरीयत क्या कहती है, कुरान का फरमान क्या है, नबी की सुन्नत क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। माल बेदिरेक माल, बेहिसाब माल, और वो अल्लाह की नाफरमानी करता है, माल के मामले में खर्च के मामले अल्लाह से डरता नहीं, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी निभाता नहीं, लोगों के साथ एहसान का मामला करता नहीं, फक्र और गुरूर में मुबतला होकर इस दुनिया से चला जाता। मौत सबको तो आनी है, दुनिया पानी है, मौत तो आनी है। तो ये आदमी, ये सबसे खबीस आदमी, ये सबसे खबीस आदमी। अब चौथा आदमी कौन है? इसके पास ना माल है ना इल्म, इसके पास ना माल है ना ही दीन की समझ है, और ये चाहता है कि जिसके पास इल्म नहीं है, माल है और मजे लूट रहा है, तो उस जैसा माल इसको भी मिल जाए, ये भी जो है जिंदगी की जो रंगरलियां है वो सारी रंगरलियां दे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये दोनों गुनाह में बराबर है। नेक नियति किस मकाम पर लेकर गई और बुरी नियत किस हालत में उसको ढकेल दिया, इसको जरा हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए और अपना मुहासबा करना चाहिए। सुनाच मोहतरम सामईन, यहां कभी जो चीज हमें याद रखनी चाहिए वो ये कि बुलंद हिम्मत हमें होना चाहिए, हमारे बड़े अरमान होने चाहिए, बड़े बड़े ख्वाब होना चाहिए, ये सब अच्छी चीज है, लेकिन साथ में मेहनत करने का जज्बा भी होना चाहिए। जितना बड़ा ख्वाब आप देखना चाहे देखें, लेकिन उस ख्वाब को सच करने के लिए जो मेहनत आपसे दरकार है, जो मेहनत आपसे मतलूब है, वो मेहनत भी आपको करना है। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खैसु मन दार नफ्सहु व अमिला लिमा बादल। स्मार्ट पर्सन कौन है, अकलमंद कौन है? वो है जो अपने आप को उसने पहचान और आखिरत के लिए उसने जखीरा तैयार करी। वह अमिला लिमा बादल, मौत के बाद की जिंदगी के लिए अभी से उसने तैयारी कर। वल आजिज, और फेल्यूर इंसान कौन है, नाकाम शख्स कौन है? वो आदमी है जो नफ्स की सुनते रहता है, ख्वाहिशात के पीछे लौटते रहता है, लेकिन अल्लाह से लंबी लंबी उम्मीदें रखता है। वतमन्ना अल्लाह इल अमान,
ये फेल्यूर इंसान, ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। हम काम ना करें, मेहनत ना करें, कोशिश ना करें और सारी खुशियां हमारी झोली में आ जाएं और सारी मालो दौलत जो है हमारे घर जो है आकर बसेरा करे, क्या ये होने वाली चीज है? मन जद्दा पर जो मेहनत करेगा वही पाएगा। चुनांचे अरमान के सन जो है हमारी जिंदगी का रंग होना चाहिए, उमंग हमेशा हमारे साथ हमारे संग जो है होना चाहिए, इसका ख्याल करें। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाकया बयान करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उमर रजी अल्लाह अन्हु साथियों के साथ एक जगह जमा हुए तो आपने फरमाया चलो आप में का हर आदमी अपनी अपनी उमंग बता, क्या आपकी क्या उमंग है, आपकी क्या उमंग। उसमें से एक सहाबी ने कहा मेरी उमंग है कि ये जो घर जिसमें हम बैठे हुए हैं ये पूरा सोने से भर जाए और मैं बिला दिले बिला झिझक उसको अल्लाह के रास्ते में। एक दूसरे आदमी ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि यह घर जो है हीरे जवाहरात और जबरदस्त से जो है भर जाए और उसको मैं अल्लाह के रास्ते में बेदरेक खर्च। अब जब लोगों के अरमान को उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जाना लोग अपने अपने अरमान बताने लगे तो एक शख्स से उन्होंने कहा हजरत आपका अरमान क्या, आपकी उमंग क्या है? तो उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये घर अबू उबैदा बिन जर्रा, माल बिन जबल, सालिम मौला अबू हुज़ैफा और हुज़ैफा बिन यमान जैसे बुलंद हिम्मत और आला उमंगों उमंगे रखने वाले लोगों से भर जाए। तो माल को जमा करना खुश नसीबी है लेकिन अफराद को अगर आप जमा करते हैं तो आप सबसे कामयाब इंसान हैं। माल एक हद तक हमें कामयाबी दिला सकता है लेकिन अगर आपके अतराफ अफराद जमा है तो आप सबसे कामयाब इंसान हैं। चुनांचे माजर समय इसकी तरफ उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तवज्जो दिलाई। और इसी तरीके से हतीम काबे का एक इलाका है आपको मालूम है जो यूटर की शक्ल में होता है, देखे होंगे आप, उसमें का कुछ हिस्सा काबे का भी है, उस हिस्से में आप नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह काबे में नमाज पढ़ने का सवाब हमें मिलेगा। यानी किसी की ख्वाहिश होती ना कि काबा अगर खुला होता तो मैं अंदर जाकर नमाज पढ़ता तो लाइन अब जाकर हतीम में अगर अल्लाह मौका दे तो उसके कुछ हिस्से में आप नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह तो वो काबे के अंदर नमाज पढ़ने के देसाई। तो माजर सामाई हतीम में हजरत मुसाब रजी अल्लाह उरवा रजी अल्लाह अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह और अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सब इकट्ठे। कभी अच्छे दोस्तों के साथ बैठना चाहिए, यानी दिल की ख्वाहिशात को एक दूसरे से इजहार करने में कोई गलत चीज नहीं है, फीलिंग्स को आप शेयर कर सकते हैं अच्छे फीलिंग। तो चारों साथी हतीम में इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा चलो आज हम अपने अपने अरमान बतलाते अपने अपनी आरजूएं बतलाते हैं और अपनी अपनी उमंगें हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो उसमें अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा देखिए नॉर्मल सिचुएशन है कि नॉर्मल सिचुएशन, अच्छा कोई मुस्तकबिल को बड़ा प्लानिंग उनका कुछ भी नहीं लेकिन उमंग जिसको बोलते हैं ख्वाब जिसको बोलते हैं ठीक है। तो अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं तो खिलाफत की तमन्ना मामूली चीज नहीं। और उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा मेरी तमन्ना तो यह है कि मुझे मुझसे लोग इल्म ले, मुझसे नहीं मैं अल्लाह मुझे अहले इल्म में शुमार करे, मुझसे लोग इल्म ले। और मुसा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं इराक की गवर्नरी चाहता। आखिर में सबने कहा हम सबने हमारे अरमान
और हमारे जो है उमंगों को बयान कर दिया है, आप भी अपनी जो है अरमान बताएं और अपनी मन को जो हमारे सामने इजहार करें। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मेरा अरमान यही है कि अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह की मगफिरत मिले। क्यों वाकई आप लोगों के सामने रखा है? इसलिए रखा कि चारों जो सहाबा थे उनमें से तीन जो एक खिलाफत को चाहते थे, एक इल्म को चाहते थे, एक गवर्नरी को चाहते थे, तीनों को उनकी ख्वाहिश की चीजें मिल गई दुनिया में। और पूरी उम्मीद है कि अल्लाह सुभान व तआला अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु को मगफिरत का जो तमगा देंगे। लेकिन अरमान देखिए, ठीक है, इसी तरीके से आपको मालूम है उमर बिन अब्दुल अजीज पांचवें खलीफा का दिन। उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी भी उमंगों के संग, उमर रजी अल्लाह उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह की जिंदगी भी उमंगों के संग थी और अल्लाह के फजल से उनकी उमंगें पूरी हुई, उनकी आर्जुएं पूरी भी हो गई। चुनांचे वो खुद अपने ताल्लुक से फरमाते हैं, मेरा नफ्स हमेशा आर्जुमंद रहता था, मेरा नफ्स हमेशा आर्जुमंद रहता था। क्या है? रजा की कैफियत, उम्मीद की कैफियत, यानी तकवा जो है तीन चीजों पर मुश्तमिल, याद रखें कभी, एक अल्लाह की मोहब्बत, एक अल्लाह की मोहब्बत, दूसरी क्या है अल्लाह का खौफ, और तीसरी क्या है अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह से उम्मीद। चुनांचे हमारे दिल हमेशा उम्मीद से भरे होना चाहिए, ना उम्मीदी हमारे करीब नहीं आना चाहिए, ना उम्मीदी मोमिन की सिफत है ही नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह को मानने वाले ना उम्मीद होते ही मायूस होते ही। क्यों मायूस होंगे? सारे जहानों का रब हमारा रब, हमारा रब वो है जो कहता है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, पहाड़ों जैसे गुनाह करने के बावजूद हमारे गुनाह आसमान को छू रहे हैं, उसके बावजूद अल्लाह सुभान व तआला हमें या इबादी फरमाता है, अरे मेरे बंदो कितनी मांगो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत, इस हालत में भी अल्लाह की रहमत से मायूस। मैंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, सही है, लेकिन मेरी रहमत तुम्हारे इस जुल्म से भी वसी है, मायूस ना होना, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, गुनाह को छोड़ो, वो सारे गुनाहों को माफ करने वाला, सारे गुनाहों को माफ करने वाला है। चुनांचे बात है सामईन, यहां उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मेरा नफ्स हमेशा आरजूमंद रहता, मेरा नफ्स हमेशा आरजूमंद रहता, आरजूमंद होना चाहिए नहीं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो आपने चाय दिया कि भाई तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे अरमान बताओ, तुम्हारी उमंग बताओ, तुम्हारी आरजू बताओ, सहाबा को चाय। अब सब लोग सोच रहे थे क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे, ठीक है, उसमें एक सहाबी थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं जन्नत में आपका संग चाहता हूं, जन्नत में आपका संग चाहता हूं। दूसरे भी फिर बड़ा ये हुई अलर्ट हुई, बड़ी दूसरी इतनी बेहतरीन चीज इन्होंने मांग ली, हम सोचते ही रहे क्या मांगेंगे क्या मांगेंगे, इन्होंने मांग ही लिया। तो दूसरे साहबी ने भी कहा मैं भी चाहता हूं कि जन्नत में आपके संग रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबक करता हूं काश, इस मामले में वो काशा तुमसे सबक कर। और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत भी किए, इतनी बड़ी उमंग तुम्हारी है, इतनी बड़ी आरजू तुम्हारी है, इतनी बड़ी बड़ा अरमान तुम्हारा है, अच्छी बात, इस मामले में ज्यादा नफी इबादत कर मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी सिफारिश करो, तुम भी मेरे साथ रहो, इस मामले तुम भी थोड़ा मेहनत करो। वो क्या है? ज्यादा से ज्यादा नफी इबादत तुम बजा लाओ, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था।
सुना के बताने का जो मकसद है कि आदमी अपने अंदर उमंग रखना चाहिए, आदमी अपने अंदर आरजू रखना चाहिए, आदमी को उम्मीद होकर जिंदगी गुजारना चाहिए, आदमी पॉजिटिव माइंड का है होना जरूरी है समझिए। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मेरा नफ्स हमेशा आरजूमंद रहा था। ठीक है जी, है कि नहीं? अच्छी आरजू करेंगे ना, माशाल्लाह बड़ी बड़ी आरजू कीजिए, क्योंकि हमारा रब सबसे बड़ा है, हदीस आएगी इंशाल्लाह। तो फरमाते हैं, मैंने फातिमा बिन अब्दुल मलिक से शादी की तमन्ना की, उनके अब्बा भी बादशाह, उनके अब्बा के अब्बा भी बादशाह, समझे कि खानदानी बादशाह। मैंने फातिमा बिन अब्दुल मलिक से शादी की तमन्ना की तो मेरी मुझसे शादी हो गई, फिर मुझे गवर्नर बनने का शौक हुआ तो मैं गवर्नर बन गया, फिर दिल में खलीफा बनने की चाहत पैदा हुई तो मुझे अल्लाह ने खिलाफत से भी नवाजा, और मेरा अरमान और उमंग है, आरजू है जन्नत को पाने की, और अल्लाह से पूरा मुझे, अल्लाह पर मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह सुभान व तआला मेरी इस उमंग को भी पूरी करेंगे, मेरी इस मुराद को भी अल्लाह सुभान व तआला मुकम्मल करेंगे। जिंदगी में जितनी ऊंचाइयां देखना चाहते थे सारी ऊंचाइयां उन्होंने देख ली, और जन्नत में ऊंचे मकाम की ख्वाहिश रख रहे हैं। चुनांचे याद रखें, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतुल फिरदौस आला जो है, जन्नतुल फिरदौस है ना, ये जन्नत का बीच बीच का हिस्सा भी है, जन्नत का आला हिस्सा भी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें जन्नत मांगनी है सिर्फ जन्नत मांग करो, जन्नतुल फिरदौस आला मांग करो, तुम्हारी उम्र जन्नत के तय कैसी होनी चाहिए, मामूली नहीं है कि बादशाह समय। याद रखें, इंसान की जो ख्वाहिशें हैं वो इतनी हैं कि हर ख्वाहिश पर इंसान की जान निकल सकती है, लेकिन फिर ख्वाहिश बाकी है। आप सुनते होंगे दिल के आरमान बंद होते हैं, दुनिया पर अगर भरोसा करेंगे, दुनिया वालों पर आप भरोसा करेंगे तो दिल के जो आत्मान है वो बह भी उठेंगे, दिल भी उठेंगे, दूर भी हो सकते, लेकिन रब्बे कायनात पर आप यकीन रखेंगे तो अल्लाह सुभान व तआला जिंदगी में भी वो ऊंचाई अल्लाह आपको अता फरमाएंगे, और कल कयामत के दिन अल्लाह सुभान व तआला जो मकाम जन्नत में आप पाना चाहते हैं उस मकाम पर अल्लाह सुभान व तआला आपको अता भी फरमाएंगे। चुनांचे अल्लाह सुभान व तआला से जब हम कोई चीज मांगना हो, बड़ी चीज मांगना है, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला कौन है, अल्लाह अकबर, आप जितनी भी बड़ी चीज मान ले उससे बड़ी जात किसकी है, अल्लाह सुभान व तआला की, और अल्लाह सुभान व तआला चाहे हमारी जितनी भी बड़ी मुराद हो अल्लाह पूरी फरमाएंगे, लेकिन शर्त है कि अल्लाह सुभान व तआला के ताल्लुक से हमारे दिल में हुस्ने ज़न होना चाहिए, अच्छा गुमान होना चाहिए, मेरी ये ख्वाहिश है अल्लाह मेरी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगा, और इस हिसाब से मुझे कोशिश भी करनी चाहिए तो अल्लाह सुभान व तआला उस ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगा। हदीस कुर्सी में है अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मेरा बंदा मेरे तई जैसा गुमान रखता है, मेरा मामला मेरे बंदे के तई वैसा ही होता है। हम जितना अच्छा गुमान अल्लाह सुभान व तआला के ताल्लुक से रखेंगे, अल्लाह सुभान व तआला हमें उतनी ही अच्छी हालत में अल्लाह सुभान व तआला रखेंगे। चुनांचे मोहतरम सामईन, इसको भी याद रखें। उसके बाद कुछ और बातें जो है आपके हवाले करते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। मोहतरम सामईन, अल्लाह सुभान व तआला कुरान में कई जगह आप देखेंगे, वसाबिकु इला मगफिरा, वसाबिकु इला मगफिरा, लेकिन
मुझे मांगना है ना पहले, ये तौफीक मिलनी है। सूरह इखलास दिन में 3 बार का वाकया पढ़ लिया रहे, पूरे कुरान पढ़ने का सवाल कब से सुनते आ रहे हो? बचपन से सुनते हैं ना, इंक्लूड मी, मैं क्या हर रोज हम 3 बार पढ़ने की कोशिश करते हैं कम से कम? कितना आसान है नुस्खा, लेकिन अपने जब करना पड़ता है, अमल जब करने की बात आती है, तो वहां हम सही तरीके से खड़े नहीं होते। मौका अल्लाह हमें देता है कि ढेर सारी नीतियां कमाओ, लेकिन हम हैं कि गफलत में पड़कर उस मौके को भी खो रहे। और जिंदगी ऐसी है, कभी भी खत्म हो सकती है, हमारी सांस कभी भी रुक सकती है। माज़ सामीन, इंसान की जिंदगी जब खत्म हो जाती है तो अल्लाह सुभानहु व तआला फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मुझे दोबारा जिंदगी दे, दोबारा दुनिया में लौटा दे। मैंने कोई सही कम अमल करके नहीं आया है, कोई नेक अमल मैंने नहीं किया है, मैं नेक अमल करूंगा, सदका खैरात करूंगा, वालिदैन की खिदमत करूंगा, गरीबों का ख्याल रखूंगा, लेकिन अल्लाह सुभान अल्लाह मौका नहीं दे। अल्लाह सुभान अल्लाह सूरह हक में फरमाते हैं, फअम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनी, जिसका नाम है अमल, उसके दाएं हाथ में सीधे हाथ में दिया जाएगा, वो तो खुश और खुर्रम होगा बैठा। देखो ये मेरा नाम है अमल, इन्नी गलम तो अन्नी बुला के हिसाबिया, यही रिजल्ट आने वाला मुझे मालूम था, मैंने कोशिश की, क्यों मालूम था? एक बच्चा एग्जाम लिखता है और उसको मालूम है, बाद में उसे पूरे क्वेश्चन चेक भी कर लिए हैं, उसको पूरा यकीन होता है कि 98% मुझे मार्क आएंगे, तो हो सकता है एक आधा मार्क इधर उधर हो जाए, लेकिन वो उसको नहीं मालूम। और दो बच्चा उसको पूरा मालूम ही नहीं, उसके बाद उस चेक भी नहीं किया, तो उसको यकीन नहीं होता, पास हो गए तो खुश, फेल हो गए तो क्या बोलेगा, गुमान तो था नहीं। तो बताने का जो मकसद है, बंदा कहेगा ये मेरा नाम है हमारा, देखो इसमें सारी चीजें मौजूद है, जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो नमाज भी मौजूद है, जो अल्लाह ने हुक्म दिया ज़कात भी मौजूद है, जो अल्लाह ने हुक्म दिया सदका खैरात भी मौजूद है, हज भी मौजूद है, वालिदैन की फरमाबरदारी भी मौजूद है, हर चीज जो भलाई का नाम रखती है इसमें मौजूद है। हाउ मतलब होता और मजे की चीज, लेकिन यहां जो बताना जा रहा हूं मैं, ये वअम्मा मन उतिया किताबहु बिशिमाली, जिसका नाम है अमल, उसके बाएं हाथ में दाएं हाथ में जिसका नाम है अमल दिया जाएगा, वो क्या है? या लैतनी लम उत किताब, हाय हाय मेरा रिजल्ट मुझे दिया ही ना जाता, वलम अदरी मा हिसाबिया, या लैतहा कानतिल कादिया, जो मौत थी वही आखिरी होती, मा अगना अन्नी वालिया, मेरे मान मेरे काम नहीं आया, हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरे बादशाह की लोगों पर, मेरे बाग बाग पर सब लोग बनने वाले थे, तैयार थे, लेकिन आज किसी की भी यहां नहीं चल रही है कि नहीं? तमन्ना करेगा वहां, आरजू करेगा वहां, जाकर उमंग जगाने की कोशिश करेगा, लेकिन मौत के बाद उमंग जगाने से फायदा क्या? जब तक सांसें चल रही है, हम उमंगों से हमारी जिंदगी को रंग भी चलते हैं, और उमंगों को जो है सही तरीके से हम पूरा भी कर सकते हैं, इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। यहां एक अच्छी बात मैं आप लोगों के हवाले करने की कोशिश करूंगा, माज़ा सामीन, बातें सारी अच्छी है लेकिन लेना चाहिए। आदमी फारुल बाल हो, ये उसकी उमंग है, अरमान है, ठीक है, आप सो गलत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि आप अपने बच्चों को मुस्तकनी कर कर मरो, बेहतर है कि उनको किसी का मोहताज कर, तो करना चाहिए, उतना तो अरमान होना चाहिए, वाला कौन सा नसीब है कमी ना दुनिया, दुनिया से हमारा जो नसीब है उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो माल को जमा करना और उसको अच्छी नीयत के साथ जमा करना और खर्च करना कोई बुरा अमल नहीं है, ठीक है?
लेकिन जमा में जमा कर रहे हैं और उसको खर्च नहीं कर रहे हैं या गुनाह के राह में खर्च करें, जैसा कि चार लोगों के तालों से मैंने बताया, यह गलत। चुनाचे सुफयान सौरी रहमतुल्लाह ने फरमाया لأن أخلف عشرة آلاف درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الله، کہ میں دس ہزار درہم چھوڑ کر بنوں جس پر اللہ میرا محاسبہ کرے، مجھے پسند ہے کہ میں لوگوں کا محتاج بن کر زندگی گزاروں، لوگوں کا محتاج بن کر زندگی گزاروں۔ اور اس کے بعد رواد بن جواب رحم اللہ فرماتے ہیں سمعت الثوری سفیان ثوری رحم اللہ کو میں نے کہتے ہوئے سنا، ماضی میں پاسٹ میں کان المال فیما مضا یذکر، یہ برا سمجھا جاتا ہے، ماضی میں مال کا جمع کرنا، کسی کے پاس مال کا ہونا برا سمجھا جاتا تھا، فاما الیوم فہو ترس المؤمن، لیکن آج کی تاریخ میں وہ مومن کا ڈھال ہے، اس سے اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے آب و عیال کی حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ مال سے ہوتی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا سفیان ثوری رحمہ اللہ عبداللہ بن محمد الباغی فرماتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ہاتھ میں ایک شخص نے دینار دیکھے، انہوں نے کہا حضرت آپ اللہ والے ہیں، عالم دین ہیں، اور آپ کے ہاتھوں میں دینار ہے، یہ آپ کو زیب نہیں لگتے؟ آج کل بھی آپ سنتے ہو۔ تو اس وقت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا اس کو خاموش رہو، فلولا، اگر یہ مال ہمارے پاس نہ ہو تو بادشاہ ہمیں کلینک کی طرح استعمال کر کے پھر ٹیشو کی طرح استعمال کر کے بادشاہ میں ہمارا استعمال وہ کیسے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ مال اگرچہ کہ بیماری مانی جاتی ہے لیکن اس بیماری کا شکار ہو جو ڈاکٹر ہے عالم ہے وہ خود ہو جائے، وہ خود مجبور ہو جائے، وہ خود محتاج ہو جائے کہ لوگوں کا علاج کیسے ہو۔ چنانچہ مستغنی ہونا، ضرورت کے حساب سے مال کا مالک بننا یہ برا نہیں ہے، اور یہ ارمان رکھنا، یہ امنگ رکھنا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ چنانچہ معزز سامعین اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں کچھ باتیں کر کر اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین ہمارے بہت سے ارمان ہوتے ہیں، بہت سے امنگیں ہوتی ہیں، اور کچھ ارمان پورے ہوتے ہیں اور کچھ ارمان پورے نہیں ہوتے، کچھ امنگیں پورے ہوتی ہیں اور کچھ امنگیں پوری نہیں ہوتی۔ جہاں ہماری امنگ پوری ہو رہی ہے اللہ کا شکریہ بجا رہا ہے، اور جہاں ہماری امنگ پوری نہیں ہو رہی ہے، ہماری آرزو پوری نہیں ہو رہی ہے، تو وہاں بھی اللہ کا شکریہ ہمیں بجا لانا چاہیے، کیونکہ ما زن فی حکم، جو ہونا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھ دیا ہے، اور اللہ کے اذن کے بغیر ہماری زندگی میں کوئی بھی چیز جو ہے ہو نہیں سکتی، ہے کہ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم والله يعلم وانتم تعلمون، ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ ناپسند کریں لیکن وہ تمہارے لیے بھلی ہو سکتی ہے، اور کسی چیز کو تم پسند کریں وہی چیز تمہارے لیے آزمائش کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ چنانچہ بعض سامعین سفر کٹھن ہے تو کیا غم ہے سفر ہی ہو، سفر کٹھن ہے تو کیا غم ہے سفر ہی تو ہے، سنبھل سنبھل کے چلو گے تو کٹ ہی جائے گا، سنبھل سنبھل کے چلو گے تو کٹ ہی جائے گا۔ چنانچہ معزز سامعین گھٹیا قسم کی امنگیں جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہیں، چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، ڈھیر ساری امیدیں شیطان بھی جگائے گا، ڈھیر ساری امنگیں شیطان بھی جو ہے ہمارے اندر لانے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ امنگیں یہ آرزوئیں باطل پر مشتمل ہوگی، ظلم پر مشتمل ہوگی، حسد پر مشتمل ہوگی۔ چنانچہ ان آرزوؤں سے انسان اپنے آپ کو بتانا چاہیے۔ ابھی معزز سامعین اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ اگر تم صرف دنیا کو چاہتے ہو
तो जो तुम्हें चाहिए अल्लाह तुम्हें दे देंगे, लेकिन दुनिया में रहते हुए आखिरत के तरफ जाओ तो अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया भी तुम्हें देंगे और आखिरत में भी तुम्हें सरफरोशी अता फरमाएंगे। चुनांचे माज़ा समईन, ये जो दुनिया की जिंदगी है ये फानी होने वाली है लेकिन उमंगों से भरी। क्यों उमंगों से भरी है? क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है। यहां जितनी बार हमें सुभान अल्लाह कहने का मन करे उतनी बार सुभान अल्लाह कह लेना चाहिए, जितनी बार ला इलाहा इल्लल्लाह करने का मन करे उतनी बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेना चाहिए, जितने बार इस्तिगफार करने का मन करे उतने बार इस्तिगफार कर लेना चाहिए, सैयदुल इस्तिगफार भी हमें हिस्से का लेना चाहिए माज़ा समय, क्योंकि मौत के बाद एक बार अल्हम्दुलिल्लाह बोलने पर इंसान तरफ जाएगा, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने पर इंसान तरफ जाएगा, एक बार अस्तगफिरुल्लाह बोलने पर इंसान तरफ जाएगा, लेकिन उसको वो मौका नहीं मिलेगा। ये जो जिंदगी है इस जिंदगी में हम इसको पूरा कर सकते हैं। चुनांचे कल क़यामत के दिन जब मंजर भयानक काफिर के सामने आएगा तो उस वक्त अल्लाह सुभानहु व तआला उस मंजर की जो है मंजर कशी करते हुए फरमाते हैं, इन्ना अमदनाकुम अदाबन तैबा यौमा यन्दुरुल मरु मा क़दमत यदा व यकूलु काफिरु या लैतनी कुंतु तुराबा। वहां मोमिन तो खुश होगा लेकिन जो काफिर होगा वो तमन्ना करेगा काश के मैं मिट्टी होता, काश के मैं मिट्टी होता, बल्कि उस दिन मुजरिम यानी काफिर ख्याल करेगा, यवद के माने अरमान उमंग सारी चीजें इसमें आती हैं, एक ख्वाहिश करेगा कि उसके बदले उसका भाई, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके दोस्त, उसके अहबाब, बल्कि दुनिया में जितने लोग उमंग फिलहाल जमी अर्थ सबको दे दे लेकिन खुद बच जाए। अल्लाह क्या फरमाते हैं, ये होने वाला, ये तेरी उमंग पूरी होने वाली नहीं है, ये तेरा अरमान पूरे होने वाला नहीं है, तेरी आरजू पूरे होने वाली नहीं है। आखिर में मोहतरम समाई हम इस वक्त में बैठे हैं मुबारक महफिल में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खाता पीता हमें रखा है और इसके भी जो भी मसाले अल्लाह हल फरमाए, लेकिन इसी महफिल में हमें बैतुल मक़द्दस को भी याद करना चाहिए, उस पर जो जुल्म हो रहा है उसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। ये वादिया मुकद्दस आज जो है खून से लहूलुहान है, चुनांचे वादिया मुकद्दस का हाल यहाँ आकर देखे, जलते घर और वीरा मकान देखे, चार सू खाली जलती हुई बस्तियां, जमीन की जन्नत में खाली धुआं देखे, रोती माए बिलखते हुए बच्चे हैं, हर तरफ जुल्म बपा है जहां देखे। नहीं हमें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, हम जो भी लोग यहाँ आए हैं पहले की बनस्पत अगर हमारी जवानी की जिंदगी को आपने यहाँ आने के बाद आपने कुछ सेविंग किया, बहुत कुछ मालो जायदाद भी आपने कट किया, अल्लाह ने अच्छी हालत में रखा है, तो हमारे दुआओं में जहाँ हम उन्हें याद रखते हैं वही हमारे माल का सदका देकर हम इनका ख्याल करना जरूरी है और इन्हें इनकी मदद करनी जरूरी है और इन गम के पहाड़ टूटने वाले मजलूम इंसानों के लिए जो है हमें अल्लाह सुभान व तआला से दुआ भी करनी चाहिए और साथ में ये अज़्म ये उमंग रखनी चाहिए, सितम कर हम तुम्हारी नींद पल पल उड़ाएंगे, ये अरमान ये उमंग हमारी होनी चाहिए, याद रखे सितम कर हम तुम्हारी नींद पल पल उड़ाएंगे, सदा हक का लगा के हम जमाने को जगाएंगे। अल्लाह सुभान व तआला जो भी बातें कही और सुनी गई है उस पर मैं अच्छी बातों को अल्लाह सुभान व तआला अपनाने और उसके मुताबिक हमारी जिंदगी को रंगने के साथ रंगने के तौर पर अल्लाह हम सबको अता फरमाए और हमारी जिंदगी के जो रंग है हमारे मोहब्बत के संग हो और वो उमंगे हक पर और सच्चाई पर मबनी हो, यही अल्लाह सुभान व तआला की दुआ है। जो भी बातें कही गई उसमें हक और सच्चाई है तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और अगर कुछ गलत है तो मेरे नफ्स और शैतान की तरफ से, जिससे मैं अल्लाह सुभान व तआला की मना तलब करता हूँ। अल्लाह सुभान व तआला हमारे मसाइल का हल फरमाए, अल्लाह सुभान व तआला हमारे मुश्किलात को दूर फरमाए, अल्लाह सुभान व तआला हमारे जो खताएं हैं जो गुनाह है उसका अल्लाह सुभान व तआला दरगुजर फरमाए और अहले फलस्तीन के साथ अल्लाह सुभान व तआला रहम का मामला फरमाए। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन। वाअखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।